नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्व व्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 275 गाथा अंतिम है ना, इसमें हालांकि पढ़ लिया था, अपन फिर से ले लो जरा। अब भगवान कुंदकुंद आचार्य देव शिष्य जन को शास्त्र के फल के साथ जोड़ते हुए, और कल ये चर्चा हुई थी कि शास्त्र का फल माने शुद्धात्मा की उपलब्धि, तो उसके साथ जोड़ते हुए शास्त्र का समापन कर रहे हैं। तो देखो यहां पे बुद्ध दिशासन में दम सागारण गार चरीय या जुत्तो जोसो पवयन सारम लहुना कालेन पपेदी अकारण आकार चरेया युक्त आउपदेश ने जे जान तो ते अल्प काले सार प्रवचन नो लहे। जो साकार अनाकार चर्या से युक्त वर्तता हुआ उस उपदेश को जानता है, वह अल्प काल में ही प्रवचन के सार को यानी भगवान आत्मा को पाता है। ये चर्चा हुई थी, थोड़ी टीका में थोड़ी चर्चा करनी थी। देखो यहां से टीका है कि सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान दर्शन मात्र स्वरूप में सुविशुद्ध ज्ञान दर्शन मात्र ये शब्द का प्रयोग किया है, यानी आत्मा का स्वरूप मात्र सुविशुद्ध ज्ञान और दर्शन है। इसमें ज्ञान साकार है और दर्शन अनाकार है, ये चर्चा कल हो गई थी कभी। तो सुविशुद्ध ज्ञान दर्शन मात्र स्वरूप में अवस्थित परिणति में लगा होने से, उस परिणति में लगा होने से साकार अनाकार चर्या से युक्त वर्तता हुआ। साकार और अनाकार चर्या का मतलब होता है ज्ञान और दर्शन रूप चर्या, जानने देखने रूप चर्या है ना, उससे युक्त वर्तता हुआ। जो शिष्य वर्ग स्वयं समस्त शास्त्रों के अर्थों के विस्तार संक्षेपात्मक, विस्तार संक्षेपात्मक विस्तारात्मक या संक्षेपात्मक, मैंने समस्त शास्त्रों का संक्षेप में अथवा विस्तार में, संक्षेप में जाने का तो भी बात हुई है, विस्तार से जाने का तो भी बात हुई है, तो विस्तारात्मक श्रुति ज्ञानोपयोग पूर्वक प्रभाव द्वारा, मैंने आत्मा अनुभव कैसे होता है, श्रुत ज्ञानोपयोग पूर्वक आत्मा का अनुभव होता है, भाव शुद्ध ज्ञान में आत्मा का अनुभव होता है ना, तो श्रुत ज्ञानोपयोग पूर्वक प्रभाव द्वारा केवल आत्मा को अनुभवता हुआ, बस यह है, मात्र आत्मा का अनुभव करता है श्रुत ज्ञान के द्वारा, मैंने भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा मात्र आत्मा का अनुभव करता हुआ इस उपदेश को जानता है। यह है उपदेश, उपदेश को जानना किसे कहा, उपदेश को जानना किसे कहा, उन्होंने कहा कि श्रुत ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान में अपने शुद्धात्मा को जानता है, तो वो समझ लो उपदेश को जानता है। क्यों, क्योंकि उपदेश में क्या कहा है, उस उपदेश में मात्र आत्मा को जानने की बात कही है ना, बाकी बातें आवे वचनामत में एक बोल बहुत एक पहलू आता है कि ग्रहण करने के योग्य तो आत्मा, जानने के पड़खे बहुत, लेकिन आदरणीय तो एक आत्मा है। जानने की बहुत बातें आवे शास्त्र में, गे तत्व का जितना विस्तार जिनागम में है वो तो है ही, लेकिन उसमें उपादेय भूत तत्व क्या, उपादेय भूत तत्व तो एक है, मैंने उपादेय तो एक है, जानने के पड़खे अनेक, लेकिन उपादेय तो एक आत्मा है।
तो जिसने अपने भावश्रुत ज्ञान के द्वारा, यानी जो स्वसन्मुख हुआ श्रुत ज्ञान है, उसी को भावश्रुत ज्ञान बोलते हैं। तो ऐसे भावश्रुत ज्ञान के द्वारा जिसने अपनी आत्मा का अनुभव किया तो वो उपदेश को जानता है, क्योंकि उपदेश में यही बात कही है, उपदेश में कोई दूसरी बात नहीं कही। और वह वास्तव में क्या करता है, वह वास्तव में भूतार्थ स्वसंवेद्य दिव्य ज्ञानानंद जिसका स्वभाव है। देखो बहुत बढ़िया लिया है, भूतार्थ पारमार्थिक सत्यार्थ स्वसंवेद्य और दिव्य, ऐसे जो ज्ञान और आनंद वह भगवान आत्मा का स्वभाव है। भूतार्थ पारमार्थिक, भूतार्थ पारमार्थिक स्वभाव क्या है आत्मा का, कि स्वसंवेद्य और दिव्य। वो से लोग ये मानते हैं कि भाई आत्मा आत्मा के ज्ञान के द्वारा जान, आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं जानता, अपने को अपना ज्ञान कैसे जाने के, ऐसा नहीं है। स्वसंवेद्य है आत्मा, आ गया, तो स्वसंवेद्य और वो कैसा है दिव्य, ऐसे जो ज्ञान और आनंद है ना, भगवान आत्मा का ज्ञान और आनंद कैसा है कि स्वसंवेद्य, ज्ञान ज्ञान आनंद का वेदन होता है ऐसा, और दिव्य ऐसा भगवान आत्मा का वो स्वभाव है। तो वो यहां पे कह रहे उपदेश को जानता है, वह वास्तव में भूतार्थ स्वसंवेद्य दिव्य ज्ञानानंद जिसका स्वभाव है, और पूर्व काल में कभी जिसका अनुभव नहीं किया गया। यह भी बात है कि स्वभाव तो स्वसंवेद्य भूतार्थ है, ज्ञान दर्शन ज्ञान और आनंद, लेकिन अनादि भूतार्थ अनादि भूतकाल में, भूतकाल में अनादि से लेकर आज तक जिसका अनुभव नहीं किया गया है ना, ऐसे भगवान आत्मा को प्राप्त करता है। भगवान आत्मा को प्राप्त करता है मैंने श्रद्धा में ज्ञान में और अनुभूति में, भगवान आत्मा को विषय करता है। श्रद्धा में भगवान आत्मा विषय बनता है, ज्ञान में भगवान आत्मा विषय बनता है, चरित्र में भगवान आत्मा विषय बनता है, अरे अनंत गुणों की निर्मल परिणतियों का विषय एकमात्र भगवान आत्मा बनता है। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि ऐसे भगवान आत्मा को प्राप्त करता है, कैसा है वो भगवान आत्मा, कि जो कि माने जो आत्मा तीनों काल के निरवधि प्रभाव प्रवाह में, निरवधि जिसकी कोई तीनों काल का प्रवाह, अनादि अनंत अनादि अनंत प्रवाह में, निरवधि प्रवाह में स्थायी होने से, प्रवाह है प्रवाह मैंने आ रही है जा रही, परिणतियां बदल रही, बदलना हो रहा है, उत्पाद वे, लेकिन उसमें क्या है वो तीनों काल के प्रवाह में, कि तीनों काल के प्रवाह में भगवान आत्मा तो स्थायी है, अर्थात वो तो ध्रुव तत्व है, परिणाम परिणाम गया, मैं ऐसा का ऐसा रह गया, ऐसा तो स्थायी होने से सकल पदार्थों के समूहात्मक प्रवचन का सारभूत है। क्या कहा यहां पे, कि प्रवचन सकल पदार्थों के समूह का प्रतिपादन करता है, यानी भगवान की दिव्य ध्वनि में सारे विश्व के जितने पदार्थ है उन सब का प्रतिपादन आता है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं बचता उनके ज्ञान में, जो उनके ज्ञान में जानने से बाकी रह जाए और उस पदार्थ का प्रतिपादन भगवान की दिव्य ध्वनि में नहीं आया हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं बचता। इसलिए उसे सकल पदार्थों का समूहात्मक कहा जाता है। निज शुद्धात्मा प्रवचन का सारभूत है, आ गया, और सारे पदार्थों का प्रतिपादन करता है ना, तो उस सारे पदार्थों के प्रतिपादन में भी कौन है सारभूत, एक शुद्धात्मा, क्यों, क्योंकि अगर शुद्धात्मा नहीं होवे तो ये सारे पदार्थ हैं, इन पदार्थ की अस्ति की सिद्धि कैसे हो, भाई जगत है, इस जगत के अस्तित्व की सिद्धि कौन करता है, कि जगत के अस्तित्व की सिद्धि तो आत्मा करता है, आत्मा नहीं हो ज्ञान नहीं हो तो इन जगत के पदार्थों की अस्तित्व की सिद्धि कौन करे, तो फिर सार कौन हुआ, कि सब में सार हुआ आत्मा। वो अपने नियम सार के 38 गाथा के बाद एक कलश है 54 नंबर का, उसमें भी आया जयति समय सार सर्व तत्वैक सार है, सर्व तत्वों में जो एक सार है ऐसा। तो निज शुद्ध आत्मा प्रवचन का सारभूत है, क्योंकि प्रवचन जो सर्व पदार्थ समूह का प्रतिपादन करता है, कोई पदार्थ उसमें बाकी नहीं रहता, उसमें एक निजात्म पदार्थ ही स्वयं को ध्रुव है,
दूसरा कोई पदार्थ स्वयं को ध्रुव नहीं है, माने संयोग में अनेक पदार्थ आते और जाते हैं, लेकिन संयोग में ध्रुव कौन है आत्मा के लिए? संयोग में कोई पदार्थ ध्रुव नहीं, लेकिन एक आत्मा आत्मा के लिए ध्रुव है। तो जो आत्मा आत्मा के लिए ध्रुव है तो वो सार पदार्थ हो गया, सार पदार्थ में आत्मा आया। वो बाकी सब पदार्थ के बाकी सब पदार्थ तो आने जाने वाले हैं, वो कोई आत्मा के लिए सारभूत पदार्थ नहीं है, है ना ऐसा। तो देखो यहां पे कहा कि तीनों काल के निरवधि प्रवाह में स्थायी होने से सकल पदार्थों के समूहात्मक प्रवचन का सारभूत है, क्योंकि सारे पदार्थों में एकमात्र सारभूत तत्व यदि कोई है तो वो अपना भगवान आत्मा है। दूसरे पदार्थ कितने ही कैसे ही हो लेकिन वो आत्मा के लिए ध्रुव नहीं है, आत्मा के लिए शाश्वत नहीं है। आत्मा या तो आत्मा उन्हें छोड़ करके वहां से चल देता है या वे आत्मा को छोड़ करके चल देते हैं, दोनों बातें होती है ना, कि या तो आत्मा वहां से चला जाएगा जिन पदार्थों के मध्य में अभी अपन लोग रहते हैं, जिन संयोगों के मध्य में रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो या तो अपन वहां से चले जाएंगे या वे पदार्थ वहां से यहां से चले जाएंगे। तो सारभूत कौन है अपने लिए? कि सारभूत एक शुद्धात्मा है और कोई शुद्धात्मा के अलावा सार नहीं है। इस प्रकार श्रीमद भगवत कुंदकुंद आचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सार शास्त्र की श्रीमद भगवत अमृतचंद्र आचार्य देव विरचित तत्व दीपिका नामक टीका में चरणान योग सूचक चूलिका नामक का तृतीय श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। ये प्रवचन सार की गाथाएं यहां पे समाप्त हुई। अब गाथाओं के बाद एक परिशिष्ट अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, वो परिशिष्ट बहुत जोरदार है और इस परिशिष्ट में आत्मा के 47 धर्मों को विषय करने वाले 47 नयों का प्रतिपादन आएगा, जिसको अपन समय प्रवचन सार में वर्णित 47 नय कहते हैं। जैसे समय सार में आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन किया, इसी तरह प्रवचन सार में 47 नयों का वर्णन किया है। एक एक नय, एक एक आत्मा के धर्म को विषय करता है। इसमें बहुत से नए ऐसे हैं जिनका विषयभूत धर्म आत्मा में त्रिकाल रहता है, और कुछ धर्म ऐसे भी हैं कि जिनके विषयभूत धर्म तीनों काल नहीं रहते। जैसे राग के कर्तापने का धर्म, राग के भोक्तापने का धर्म है ना, तो जब तक राग है तब तक राग के कर्तापने का और भोक्तापने का धर्म है। ऐसे बहुत से विषय 47 नए में आएंगे और ये 47 नए अपन जो पढ़ेंगे वो गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार पे पढ़ेंगे, है ना। देखो अभी यहां पे शुरू करो। अब टीकाकार श्री अमृतचंद्र आचार्य देव परिशिष्ट रूप से कुछ कहते हैं, मतलब क्या है कि गाथा शास्त्र में बहुत कुछ कह दिया लेकिन अभी और कुछ कहने का भाव अमृतचंद्र आचार्य देव को आया। तो टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य देव परिशिष्ट में कुछ कहते हैं, ये परिशिष्ट शुद्ध रूप से अमृतचंद्र आचार्य की कृति है, माने ये कोई आचार्य कुंद की टीका नहीं है। उनकी गाथाओं की टीका तो 275 गाथाओं पूरी हो गई, अब ये शुद्ध रूप से आचार्य अमृतचंद्र देव का मौलिक लेखन है जिसमें बहुत अच्छी बात वो कहते हैं। दो प्रश्न उठाए इसमें उन्होंने कि यह आत्मा कौन है। पहला प्रश्न क्या हुआ? यह आत्मा कौन है, अर्थात कैसा है, कौन है या कैसा है। नंबर एक, पहले तो आत्मा कैसा है, कौन है, कैसा है, और कैसे प्राप्त किया जाता है। दो बातें कि आत्मा कैसा है, तो कैसा है इसके संबंध में तो उन्होंने 47 नयों का वर्णन कर दिया कि ऐसा है आत्मा, और फिर कैसे प्राप्त किया जाता है तो उस अगले प्रश्न का उत्तर 47 नयों का वर्णन जहां पूरा होगा अंतिम, तो उस 47 नयों के वर्णन पूरा होने में फिर उसका उत्तर देंगे वो कि आत्मा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो दो प्रश्न उठाए, आत्मा कौन है अर्थात कैसा है और कैसे प्राप्त किया जाता है। ऐसा प्रश्न किया जाए तो इसका उत्तर पहले ही कहा जा चुका है, मैंने पूरा प्रवचन सार इसी के लिए बनाया है कि आत्मा कैसा है
और कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यद्यपि शास्त्र में इसका पूरा उत्तर आ चुका और यहां पुनः कहते हैं कि ऐसा होने पर भी कि शास्त्र में यद्यपि यह बात पहले कही जा चुकी है, लेकिन फिर भी हम इस बात को दोबारा यहां पर कहते हैं, है ना। तो अब देखो इसमें, अब इसमें बहुत जोरदार यह है। प्रथम तो मैंने पहली बात क्या है कि आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता अर्थात स्वामी एक द्रव्य है। धर्म किसे कहते हैं? आत्मा ने धारण किया हुआ भाव। समझ में आ गया? ये प्रवचन सार की शैली है। तो प्रवचन सार की शैली में राग को भी आत्मा का धारण किया हुआ भाव कहेंगे। समझ में आ गया? विकल निर्मल, निर्मल भाव तो है ही, गुण रूप तो वो तो है ही, अनित्य अनित्य धर्म है ही, वो सारी बातें आएंगी। लेकिन यहां पर ये, यहां पर एक क्या विशेषता है इसकी कि जैसे समय सार में शक्तियों का वर्णन था और वो दृष्टि प्रधान शैली है, तो वहां पर आचार्य देव ने विकारी पर्याय को आत्मा की शक्तियों का परिणमन नहीं माना, है ना। माने वो विकार है, वो शक्ति का परिणमन नहीं है। तो वहां पर लिया है आत्मा, आत्मा की अनंत शक्तियां, और अनंत शक्तियां कैसी? तो उन्होंने कहा था उछलती हुई अनंत शक्तियां हैं। देखो जरा इसका थोड़ा तुलना करनी पड़ेगी दोनों में, क्योंकि नहीं तो अपन क्या होता है कि अपने को लगता है कि समय सार में ऐसा लिया, प्रवचन सार में तो ऐसा लिया, राग की बात कर रहे हैं यहां तो, है ना। तो जरा एक मिनट, ये समय सार का परिशिष्ट भी देखो जरा, इसका मैं निकालता हूं। पाचे मैं बता रहा हूं, पेज बता रहा हूं, 415 गाथा की बात है, पेज नंबर 592 से आगे लेना है अपने को। देखो ये अपना पेज निकालो, इसमें 594 समय सार में। देखो यहां पर प्रश्न किया कि यदि आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी, आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी स्वयमेव अनेकांत प्रकाशता है, तब फिर अरहंत भगवान उसके साधन के रूप में अनेकांत स्यादवाद का उपदेश क्यों करते हैं, है ना। कि अज्ञानियों को ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए, देखो कितना स्पष्ट लिखा है, अज्ञानियों को ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए उपदेश देते हैं। अब ये समय सार किसके लिए हुआ? किसके लिए हुआ है? कि ये अज्ञानियों का ग्रंथ है, मुनिराज का ग्रंथ नहीं हुआ ना। लोग बोलते हैं ना मुनिराज का ग्रंथ, ये लिखे ना कि अच्छा अज्ञानियों के लिए, सीधा लिखे ना अज्ञानियों के ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए उपदेश देते हैं, ऐसा हम कहते हैं। अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं तो ऐसा हम कह रहे हैं, हम कहते हैं। और वास्तव में अनेकांत माने स्यादवाद के बिना ज्ञान मात्र आत्म वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती, इसी को समझाते हैं। ये लिया है। उसके बाद देखो एक तो ये बात आई, इसके बाद शक्तियों के, इसके बाद ये 14 कलश हैं, तो 14 कलश को छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। आगे देखो यहां पे है 609 का पेज है, यहां आचार्य देव अनेकांत के संबंध में विशेष चर्चा करते हैं। प्रश्न, आत्मा अनेकांतमय है फिर भी यहां उसका ज्ञान मात्र से क्यों व्यपदेश माने कथन अर्थात नाम किया जाता है? कि आत्मा तो अनेकांत स्वरूप है ना, आत्मा तो अनंत धर्म स्वरूप है ना, और आप तो आत्मा को ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र कहते हो, क्यों किया जाता है? अर्थात यद्यपि आत्मा अनंत धर्म युक्त है तथापि उसे ज्ञान रूप से क्यों कहा जाता है? ज्ञान मात्र कहने से तो
अन्य धर्म का निषेध समझा जाता है? तो उसका उत्तर दिया, लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा, ज्ञान है वो लक्षण है और आत्मा है वो लक्ष्य है, और ज्ञान ऐसा लक्षण है कि जो सबको ख्याल में आता है। आ गया, लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा का ज्ञान मात्र रूप से व्यपदेश माने कथन किया जाता है। आत्मा का ज्ञान लक्षण है क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। बराबर, अन्य द्रव्यों में ज्ञान गुण नहीं है, इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उसके मैंने लक्ष्य की मैंने आत्मा की प्रसिद्धि होती है। फिर प्रश्न किया कि इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? लक्षण लक्षण को प्रसिद्ध, लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? मात्र लक्ष्य ही प्रसाध्य अर्थात तो प्रसिद्धि करने योग्य। अरे प्रसिद्धि करने योग्य तो आत्मा है ना। तुम ज्ञान लक्षण ज्ञान लक्षण ज्ञान लक्षण, तो लक्षण की प्रसिद्धि करने से मतलब क्या है? सीधा लक्ष्य को बताओ ना। इसलिए लक्षण की प्रसिद्धि किए बिना लक्ष्य को ही मैंने आत्मा को ही प्रसिद्ध क्यों नहीं करते? लक्षण से लक्ष्य क्यों बताते हो? खारेपन से नमक का नमक की पहचान क्यों कराते हो? सीधे नमक की पहचान कराओ ना। ऐसा समझे है ना, ऐसा प्रश्न है ये। उत्तर, जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे अर्थात जो लक्षण को नहीं जानता ऐसे अज्ञानी जन को लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। यहां भी अज्ञानी जन लिया, लक्षण को नहीं जानोगे तो लक्ष्य की प्रसिद्धि कैसे करोगे? खारापना नहीं जानोगे तो ये नमक है ये कैसे प्रसिद्ध होगा? मीठापना नहीं जानोगे तो चीनी है ये कैसे प्रसिद्ध होगा? इसी तरह ज्ञान प्रसिद्ध नहीं होवे तो ज्ञान जिसका लक्षण है वो आत्मा कैसे प्रसिद्ध होगा? वो यहां पे कह रहे हैं है ना, जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसी को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। इसलिए अज्ञानी को पहले लक्षण बतलाते हैं, यहां भी अज्ञानी को पहले लक्षण बतलाते हैं। कौन कहता है कि समय सार अज्ञानी के लिए नहीं है? मुनियों के लिए है समय सार, ठेठ अज्ञानी के लिए है पूरा एकदम। अज्ञानी तो पूरे होते हैं अप्रतिबुद्ध अज्ञानी क्या, उसको प्रसिद्ध करने उसको प्रसिद्धि के लिए। इसलिए अज्ञानी को पहले लक्षण बतलाते हैं तब वह लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। लक्ष्य बतलाएंगे तो ये लक्ष्य, ये लक्षण बतलाएंगे तो ये लक्षण किसका? तो उस लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होगा उसको, ये कह रहे हैं यहां पे। अब देखो, ऐसा कौन सा लक्ष्य है, ऐसा प्रश्न है, ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे माने ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है? उत्तर, ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्य पने से अभेद है। इसलिए लक्ष्य लक्षण ये अभिन्न में भेद, अभेद में भेद करके लक्ष्य लक्षण का भेद करके समझाया, तुम इनको दो मत मानना, द्रव्य रूप से अभेद है। फिर प्रश्न, तब फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया गया? जब अभेद ही है तो जबरदस्ती भेद काय को कर रहे हो? प्रश्न, ये प्रश्न खुद अमृतचंद्र आचार्य ने उठाए हैं। उसका उत्तर, प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व के कारण, प्रसिद्धत्व प्रसिद्ध कौन है? लक्षण। और प्रसाध्य मानत्व कौन है? लक्ष्य। का विभाग किया जाता है। ज्ञान अर्थात लक्षण प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र को स्व संवेदन से सिद्ध पना है, अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों को स्व संवेदन रूप से अनुभव में आता है। स्व संवेदन मतलब निर्विकल्प स्व संवेदन नहीं, स्व संवेदन का मतलब जानना किसके जानने में नहीं आ रहा, किसके जानने में नहीं आ रहा, जानना सबके जानने में आ रहा। जो ये कहता है कि मुझे जानना जानने में नहीं आ रहा, तो आचार्य कहते हैं कि तुझे जानना जानने में नहीं आ रहा, ये जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कोई कक्षा चल रही हो, बहुत टीचर बैठा हो क्लास ले रहा हो, और कोई बच्चे होते हैं ना जो उदंड बच्चे होते हैं,
तो उदंड बच्चे होते हैं तो वो सबसे पीछे बैठेंगे और धमाल करेंगे कक्षा में। तो टीचर ने कहा कि जिनको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही वो अपना हाथ खड़ा करे। ध्यान से सुनना उदाहरण में, कि जिसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही हो वो अपना हाथ खड़ा करे। और पीछे से एक आदमी अपना, एक लड़का अपना हाथ खड़ा करता है, गुरुजी मुझे सुनाई नहीं दे रही। समझ आ गया? तो पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? वो आ गया ऐसे, मुझे ज्ञान प्रसिद्ध नहीं है, मुझे ज्ञान ना जानना जानने में नहीं आ रहा है। तुझे जानना जानने में नहीं आ रहा है ये किसने जाना? ज्ञान तो प्रसिद्ध माने ऐसा है। तो आ गया कि ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र को स्व संवेदन से सिद्ध बना है, अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों के स्व संवेदन रूप से अनुभव में आता है। 17-18 गाथा में भी आई है बात। वह प्रसिद्ध कौन? वो जो स्व संवेदन में आ रहा है, ज्ञान जानने में आ रहा है, जानना जानने में आ रहा है, वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान के द्वारा, माने लक्षण जो प्रसिद्ध है ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रासाद्यमान, माने जिसकी सिद्धि होती है, तद अविनाभूत माने ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्मों का समुदाय रूप आत्मा है। जो ज्ञान लक्षण के द्वारा प्रसिद्ध हो रहा है, जानने में आ रहा है, वो आत्मा कैसा? कि वो अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। माने ज्ञान प्रसिद्ध है और ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान है। किसका निषेध है फिर? कि समय सार कहेगा राग का निषेध है। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, राष्ट्रपति के बंगले पर एक बोर्ड लगा, नो एडमिशन विदाउट परमिशन माने बिना आज्ञा के प्रवेश निषेध है। तो अब राष्ट्रपति की पत्नी है और राष्ट्रपति का बेटा है, राष्ट्रपति के परिवार वाले हैं, उसके पिताजी हैं, उसके और भी रिश्तेदार हैं, तो पहले तो पर्ची भेजेंगे ना अपनी। परमिशन किसके लिए है? क्या उसके परिवार के लिए नहीं है वो बोर्ड? जो बाहर के लोग हैं उनके लिए नो एडमिशन विदाउट परमिशन, लेकिन लिखा हुआ तो यही रहेगा नो एडमिशन विदाउट परमिशन, ये नहीं लिखा रहेगा कि फैमिली के लिए नहीं है लागू, ये बोर्ड लगा रहेगा। लेकिन फिर भी समझदार उतना समझता है कि नहीं समझता है? है ना? तो इसी तरह नो एडमिशन विदाउट परमिशन, मतलब आत्मा में ज्ञान, ज्ञान मात्र आत्मा, तो इसमें ज्ञान के साथ अविनाभावी जो अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां, अनंत स्वभाव है, उनका निषेध नहीं होता। ज्ञान से विरुद्ध जो रागादि प्रभाव है, आत्मा से विरुद्ध जो परद्रव्य है, कि उन परद्रव्य और परभावों का निषेध होता है ज्ञान मात्र कहने से। ज्ञान के साथ अविनाभावी अनंत धर्मों के समुदाय स्वरूप भगवान आत्मा का, अनंत धर्मों का निषेध नहीं होता। देखो यहां पर लिखा, अविनाभावी संबंध है ऐसे धर्मों के समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रासाद्यमान है, इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने से स्थापित, अचलित पने से स्थापित दृष्टि के द्वारा, माने ज्ञान पने में अचलित रूप से दृष्टि की स्थापना की, उसके द्वारा क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान, क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान, तद अविनाभूत माने उसके साथ अविनाभावी, ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है वह सब एक आत्मा है। या क्रम रूप और अक्रम रूप, क्रम रूप माने जो निर्मल पर्याय एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रवर्तित होती है वो, और अक्रम रूप माने अनंत गुण समूह, शक्ति समूह, समुदाय, है ना? ये इसमें किसको अलग किया उनने? तो उनने किया राग को अलग किया, विकार को अलग किया। क्रम रूप में आत्मा के शक्ति के परिणाम में विकार नहीं लेंगे, वो आएगी उसकी चर्चा। इसी कारण से यहां आत्मा को ज्ञान मात्र से, ज्ञान मात्रता से व्यपदेश है, मैंने कथन है। क्यों राग नहीं आएगा? क्योंकि राग में ज्ञान का चिन्ह नहीं पाया जाता।
ज्ञान लक्षण से राग लक्षित नहीं होता। जिसमें क्रम रूप, जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, प्रश्न है शिष्य का ये, जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार है कि परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप परिणित एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप से स्वयं ही है। इसलिए अर्थात परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप परिणमित जो एक जानन क्रिया है, उस जानन क्रिया मात्र भाव रूप स्वयं स्वयं ही है। इसलिए आत्मा के एक मिनट आत्मा के हाँ ज्ञान मात्रता है, इसलिए उसके ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातिनी माने ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आ जाने वाली, जो ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आती है, हम उस सबको अपने अंदर समाविष्ट करने के लिए तैयार हैं जो ज्ञान मात्र की पार्टी में आती है। ठीक है, अनंत शक्तियां उछलती हैं, अनंत शक्तियां नहीं ली अकेली, क्या लिया, अनंत शक्तियां उछलती है, उछलती का मतलब क्या है, निर्मल भाव रूप से परिणमित होती है। उछलने का मतलब ये, शक्तियां उछलती है का मतलब क्या, तो उछलती है माने परिणमित होती है, निर्मल भाव से परिणमित होती है वह अनंत शक्तियां उछलती है। यानी आत्मा के जितने धर्म हैं उन सबको लक्षण भेद से भेद होने पर भी, माने ज्ञान का लक्षण अलग, दर्शन का लक्षण अलग, चारित्र का लक्षण अलग, सुख का लक्षण अलग, जीवत्व शक्ति का लक्षण अलग, चिति शक्ति का लक्षण अलग, सबका लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है, आ गया, क्षेत्र भेद नहीं है, भाव भेद है, क्योंकि भाव भेद नहीं हो तो एक गुण दूसरे अनंत गुण रूप हो जाएगा, एक शक्ति दूसरी अनंत शक्ति रूप हो जाएगी, तो एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप क्यों नहीं होती, क्योंकि उनमें लक्षण भेद है, और एक शक्ति मतलब अनंत शक्तियां लक्षण भेद होने पर भी एक साथ क्यों रहती है, क्योंकि उनमें प्रदेश भेद नहीं है। दो बातें समझ आई, एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि लक्षण भेद है। तो अनंत शक्तियां है ना, कि ठीक है साहब चलो, एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप तो इसलिए नहीं होती कि उनमें लक्षण भेद है, तो अनंत शक्तियां अलग अलग क्यों नहीं हो जाती, कि उनमें प्रदेश भेद नहीं है, आत्मा के एक ही प्रदेशों में वे अनंत शक्तियां रहती है, होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा के एक परिणाम में सभी धर्मों का परिणमन रहता है, इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां रहती है, इसलिए ज्ञान मात्र भाव में अर्थात ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं, उनमें से कितनी ही शक्तियां निम्न प्रकार है ना। इस तरह इतनी बात कहकर के वहां पर उन्होंने 47 शक्तियों का वर्णन किया, तो ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती है ये कहकर के विकार को वहां पर अलग किया, क्योंकि शक्तियों का परिणमन कभी भी विकार नहीं हो सकता है ना। देखो शक्तिवान आत्मा के परिणमन में विकार है, ध्यान से सुनना भी, शक्तिवान आत्मा के परिणमन में विकार है, लेकिन विकार शक्ति का परिणमन नहीं है। वैभाविक शक्ति का परिणमन विभाव रूप नहीं है, वैभाविक शक्ति ये बात बताती है कि आत्मा जब अपनी योग्यता से पर द्रव्य के लक्ष्य से वैभाव रूप परिणमन करता है तो एक वैभाविक नाम की शक्ति है, लेकिन वैभाविक शक्ति का परिणमन कोई विपरीत परिणमन है वो अर्थ में नहीं है, वो खाली वो तो इतना बताती है कि जब आत्मा अपनी योग्यता से पर सन्मुखता करके विकार रूप परिणमन करे वो उसका अर्थ वो है। अब इधर क्या है, 47 प्रवचन सार में क्या है कि ये ज्ञान प्रधान शैली है, तो ज्ञान प्रधान शैली होने से वो ये कहते हैं, प्रवचन सार का कहना यह है कि आत्मा में जो भी है, विकार है कि निर्विकार है, पूर्णता है कि अपूर्णता है, माने जो कुछ भी उसका परिणमन है
वो आत्मा का है, आत्मा में है, आत्मा से है, इसलिए उसको भी आत्मा के धर्म के रूप में उन्होंने स्थापित किया। और इसलिए इसमें कितने ही धर्म ऐसे आपको मिलेंगे कि जो विकार को भी आत्मा के साथ में स्थापित करेंगे। लेकिन उन धर्मों की मर्यादा कितनी, कि उन धर्मों की मर्यादा उतनी कि जब तक ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति में भी विकार रहता है तब तक वे धर्म रहते हैं, और जब विकार का अभाव हो जाता है तो उन धर्मों का भी आत्मा में से अभाव हो जाता है। मैंने वो त्रैकालिक धर्म नहीं है, वो तात्कालिक धर्म है, विकार के धर्म है ना, उनको हम त्रैकालिक धर्म नहीं कह सकते। जैसे कर्ता नहीं, तो आत्मा जब तक राग का परिणाम है तब तक राग का कर्ता नाम का एक धर्म आत्मा में है, लेकिन जब राग का अभाव हो गया तब राग के कर्ता धर्म का अभाव हो जाएगा, अब निर्मल परिणाम का कर्ता धर्म चालू हो गया। ऐसे बहुत से धर्म हैं, वो चर्चा इसके अंदर आएगी। तो दो प्रश्न आचार्य भगवान ने प्रवचन सार परिशिष्ट में आ जाएगा वापस, कि प्रथम तो आत्मा, मैंने दो प्रश्न कौन कौन से किए, पहले तो वो याद रखो कि आत्मा कौन है अर्थात कैसा है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है ना। तो ऐसा प्रश्न किया जाए तो इसका उत्तर पहले ही कहा जा चुका है और यहां पुनः कहते हैं। देखो, प्रथम तो आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता अर्थात स्वामी एक द्रव्य है। एक बात, क्योंकि अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले जो अनंत नए हैं, अब ध्यान से सुनना, अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले जो अनंत नए हैं, माने धर्म कितने, कि धर्म माने धारण की हुई भाव, तो उसको बोलते हैं धर्म। तो धर्म है अनंत, तो उन अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले नए कितने हो गए, वे भी अनंत हो गए। क्यों, क्योंकि एक एक नए को, एक एक नए, एक एक धर्म को विषय करता है। आगे आपको बात समझ में है ना। और उनमें व्याप्त होने वाला किन में, कि उन नयों में कौन व्याप्त होता है, कि नयों में व्याप्त होने वाला जो एक सम्यक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव में वह आत्म द्रव्य प्रमेय होता है अर्थात ज्ञात होता है। दो बातें, आत्मा में अनंत धर्म, ठीक, और उन अनंत धर्मों में व्याप्त कौन है, अनंत नए है, और अनंत नए हैं, वो अनंत नए जो हैं उनमें कौन व्याप्त होता है, कि एक सम्यक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण। क्यों, क्योंकि जो अनंत नए हैं वो अनंत नए किसके भेद है, सम्यक श्रुत ज्ञान प्रमाण के भेद अनंत नए हैं। सम्यक श्रुत ज्ञान अवयवी है, समझना, ऐसे समझो इसको, कि सम्यक श्रुत ज्ञान वो अवयवी है और नए उनके अवयव हैं। इसी अनंत, इसी प्रकार अनंत धर्मों का समुदाय रूप एक आत्मा वो धर्मी है, और एक एक धर्म, एक एक धर्म वो उसका क्या कहलाएगा, धर्म कहलाएगा, है ना। जैसे अनंत नयों में एक श्रुत ज्ञान प्रमाण व्याप्त है, उसी प्रकार अनंत धर्मों में व्याप्त कौन है, एक भगवान आत्मा, और उन अनंत धर्मों को विषय कौन करेगा, कि अनंत धर्मों को विषय करने वाला एक एक नय है। ये नए किसको होते हैं, कि जिसको सम्यक श्रुत ज्ञान प्रमाण में भगवान आत्मा का अनुभव आया, तो उसमें वो अनंत धर्म स्वरूप भगवान आत्मा प्रमेय होता है। तो अनंत धर्म स्वरूप आत्मा प्रमाण में तो एक साथ आ गया, मैंने जानने में तो, अनुभूति में तो एक साथ अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, अनंत धर्मों स्वरूप जो भगवान आत्मा है अनुभव में तो एक साथ आता है। नहीं, उसका एक एक धर्म का ज्ञान करना हो
उसके एक एक धर्म का कथन करना हो, है ना, तो कहते कितना भी चतुर हो, पांडे राजमल जी साहब ने लिखा कलश टीका में कि कितना भी चतुर हो लेकिन अगर उसे आत्मा को समझाना है तो ज्ञान सो आत्मा, इतना भेद तो उसे करना ही पड़ेगा, इतना भेद किए बिना वो अभेद को नहीं समझा सकता। आगे बात समझने, तो ये आया यहां पे कि देखो इसमें प्रथम तो आत्म ये हो गया ना कि अनशुद्ध ज्ञान प्रमाण, उस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से वह आत्म द्रव्य प्रमेय माने ज्ञात होता है, प्रमेय होता है माने ज्ञात होता है। अब कैसे ज्ञात होता है तो उसके बारे में एक एक धर्म को विषय करने वाले एक एक धर्म के रूप में 47 नयों का वर्णन आचार्य भगवान ने किया। उसमें पहला द्रव्य नय है, दूसरा पर्याय नय है। ये द्रव्य नय त्रिकाली द्रव्य को विषय करने वाला द्रव्य नय नहीं, ध्यान देना, और ये पर्याय नय ये भी एक धर्म को विषय करने वाला। द्रव्य द्रव्य नय माने आत्मा में अनंत धर्म है उसमें से एक द्रव्य धर्म को विषय करने वाला, आत्मा में अनंत धर्म है उसमें से एक पर्याय धर्म को विषय करने वाला, एक धर्म के रूप में है, समझा गया ना, नए 47 नए है ना, एक एक धर्म को विषय करते हैं। तो अभी यहां देखो, अभी यहां पे देखो, जैसा अभी मैं दो धर्मों की परिभाषा आज पढ़ता हूं और उसके बाद इसके अपन गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार से नए प्रज्ञापन में दे दूंगा, या तो यह होगी इसमें, नहीं तो मेरे से ले लेना, नए प्रज्ञापन निकाल लेना फिर। वह आत्म द्रव्य द्रव्य नय से, द्रव्य नय से पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है। अर्थात आत्म द्रव्य अर्थात आत्मा द्रव्य नय से चैतन्य मात्र है। कैसा है आत्मा? द्रव्य नय से चैतन्य मात्र है, जैसे वस्त्र वस्त्र मात्र है तद अनुसार एक। अब इसका विस्तार गुरुदेव की वाणी में पढ़ेंगे तब ख्याल में आएगा, दो लाइनों में दो लाइनें हैं ना, अब दो लाइनों का विस्तार कितना उनने किया है और कितने गजब के न्याय निकाले उसमें से, वो देखना। दूसरा आया कि आत्म द्रव्य पर्याय नय से तंतु मात्र की भांति दर्शन ज्ञानादि मात्र है। अर्थात आत्मा पर्याय नय से दर्शन ज्ञान चारित्रादि मात्र है। कैसे है वो? कि जैसे वस्त्र तंतु मात्र है ना, ऐसे ये नए आए। अब इसके बाद इन्होंने फिर इसमें इसी में है ना सप्त भंगी के नए लिए हैं, परस्पर विरुद्ध जो जैसे अलग अलग एक दूसरे से मैंने जैसे कर्ता नहीं अकर्ता नहीं भोक्ता नहीं अभोक्ता नहीं, है ना, इसी तरह इसमें पंच समवाय के नए आएंगे। पंच समवाय में भी दो तरह के, स्वभाव नए अस्वभाव नए, काल नए अकाल नए, देव नए पुरुषार्थ नए, है ना, पांच समवाय होते ना, तो पांच समवाय के नाम रूप नए और उसके विरुद्ध नाम रूप नए। इसीलिए तो कहा काल नए अकाल नए, तो काल नए अकाल नए का मतलब क्या हुआ कि काल नए से मोक्ष होता है, काल नए की अपेक्षा से देखो तो काल नए से मोक्ष हुआ और अकाल नए की अपेक्षा से देखो तो अकाल नए से मोक्ष हुआ। कि भाई साहब दो जीवों को दो तरह से मोक्ष हुआ क्या? कि नहीं, एक ही जीव को दो तरह से मोक्ष हुआ। क्या मतलब? कि काल नय की मैंने जहां काल मैंने काल लब्धि की प्रधानता काल नय करता है और काल लब्धि के अलावा अन्य समवाय की प्रधानता अकाल नय करता है ना, दो तरह से नहीं है मोक्ष का प्रतिपादन, दो तरह से हुआ है। ऐसे बहुत सारे नए इसमें अपने को जानने को मिलेंगे और बहुत अच्छा बहुत गंभीर विषय है ये, थोड़ा है ना, शेष चर्चा कर लो।